हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज है 3 अप्रैल 2020 और आज की डेट करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो और वीडियो जो क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 अप्रैल को ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है। ये मनाया क्यों जाता है? ये एक बीमारी होती है जो 3 साल तक के बच्चों में होती है, जिससे उनका दिमाग का विकास रुक जाता है। तो उसको उससे जागरूकता प्रदान करने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है? तो ये यूनाइटेड नेशन मनाता है और ये 2008 से स्टार्ट हुआ था और अभी ये तेरहवें नंबर का मनाया गया है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। और इस बार की थीम आपको याद रखनी है, द ट्रांजिशन टू अडल्ट। ये इस बार की थीम थी, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इतना आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन मनाता है और 2008 में पहली बार मनाया गया था, इस बार ये 13वें नंबर का था और थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्ट। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, तो अभी हाल ही में कोविड 19 से प्रभावित पेशेंट को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु नाम का ऐप लॉन्च किया है। यह एक GPS ट्रैकर ऐप है जिसको इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल की ट्रैकिंग की जा सकती है। तो यह भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपको ये याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु। और अभी हाल ही कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने कोरोना कवच भी लॉन्च किया था, तो ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आरोग्य सेतु एक GPS ट्रैकर है जो पेशेंट को ट्रैक करेगा। कोरोना कवच भारत सरकार ने लॉन्च किया था जो कोविड-19 के बारे में जानकारी देता था। याद रखिए, कोरोना कवच जानकारी के लिए है। अभी IIT मुंबई ने एक क्वारंटाइन भी लॉन्च किया था जो एक GPS ट्रैकर लॉन्च है। और अभी कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में असम ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में असम ने ये एक प्रज्ञा ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी एक GPS ट्रैकिंग ऐप है। सॉरी, ये प्रज्ञा अभी जो असम गवर्नमेंट शुरू किया है, ये एक शिक्षण कार्यक्रम है जो कि अभी लॉकडाउन के तहत तो शिक्षा बंद है, तो शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और जो और टर्म से रेडियो स्कूल, ये अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और ये गृह शिक्षण कार्यक्रम, ये अभी गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये गृह शिक्षण कार्यक्रम। और ये कोरोना स्टडी सीरीज है जो NVT नेशनल बुक ट्रस्ट ने शुरू की थी, तो ये सब आपको याद रखने हैं। और बात यहाँ पे असम की है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल और जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी, तो ये आपको याद रखना है। और कुछ नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि ये किस लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाला गेंडा भारत में 2 जगह पाया जाता है, एक असम में और एक पश्चिम बंगाल में, तो ये आपको याद रखना है। और एक और नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो है मानस नेशनल पार्क भी असम में स्थित है, तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट के लिए भारत में कितने बिलियन डॉलर की पेशकश की है? तो
जैसा कि अभी ये कोविड-19 महामारी आई है, ऐसे ही महामारी के हालात में इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब तुरंत निपटने के लिए भारत को सक्षम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत में $1 बिलियन की पेशकश की है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने। तो ये वर्ल्ड बैंक ने की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। तो इस ये भी एक कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का तो ये अभी इसका चार्टर आ गया था 1944 में, तो चार्टर के हिसाब से इसकी स्थापना मानी जाएगी 1944 और ऑफिशियल 1945 है। तो आपको ऑप्शन में दो में से एक मिलेगा, तो दोनों सही है। तो इसकी स्थापना 1944 या 45, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका, और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो इसके हेड है वो डेविड मालपास, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले G20 के प्रधानमंत्री जो के हेड है उनकी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने, और अभी अभी हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने ही की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत की तरफ से इसमें से सपोर्ट किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये भी आपको याद रखना है। बात यहाँ सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, और प्रेजेंट टाइम पे इसके किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। तो ये सब भी आपको याद रखना है सऊदी अरब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, ये कहाँ के थे? तो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, ये अमेरिका के थे, और इन्हें 1977 में फिजिक्स में नोबेल मिला था, 1977 में फिजिक्स का नोबेल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अमेरिका के थे। और बात अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट को रद्द किया गया है, जिसका नाम क्या? तो यहाँ आपको नाम बताना है, तो सबसे पुराना जो भी हाल ही में टूर्नामेंट रद्द हुआ है उसका नाम विम्बलडन ओपन। तो ये सबसे पुराना सबसे ओल्ड टेनिस टूर्नामेंट है, तो ये सन 1870 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विम्बलडन ओपन। तो ओपन किए तो साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये होता है जनवरी फरवरी के महीने में, और अभी ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया था, जिसका जिसका जो मेल मेल में इसमें जीत हुई थी नोवाक जोकोविच की, ये सर्बिया के खिलाड़ी है, और फीमेल में सोफिया केनन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, ये आपको याद रखना है। और सेकंड होता है साल में फ्रेंच ओपन, जो कि अभी रद्द कर दिया गया था, और अभी ये विम्बल्डन ओपन भी रद्द कर दिया गया, और लास्ट में होता है US ओपन। तो US ओपन अगर होगा तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने 70 राजनयिक वर्ष पूरे किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और चीन के 70 साल राजनयिक संबंध के पूरे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अभी कोविड-19 के चलते कुछ हाईलाइट तरीके से तो नहीं मनाया गया, मगर 70 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में फोन पे ने बजाज अलायंस के साथ मिलके ये कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोन पे। तो अभी बात फोन पे की है, तो फोन पे की स्थापना कब हुई थी?
2015 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर में, प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं समीर निगम। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होनी थी उसको कोरोना वायरस के चलते अभी रद्द कर दिया गया है। तो ये अभी 2022 में करने की घोषणा की गई है। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2022। और बात यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की है तो इसके अभी 2022 में होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर्स का सेवा विस्तार किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला था उनका सेवा विस्तार कर दिया है। अभी हाल में कोरोना के चलते ज़रूरत है तो उसके वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनकी सेवा अवधि पूरी हो गई थी, जो मतलब रिटायर्ड होने वाले थे, उनका सेवा विस्तार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। और अभी बात राजस्थान की है तो कुछ समय पहले राजस्थान ने एक ई पास ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था राजकोप सिटीजन ऐप। ये राजकोप राजस्थान की पुलिस ने किया था, राजकोप सिटीजन ऐप, एक ई पास। और यहाँ पे बात राजस्थान की है तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और अभी गवर्नर है कलराज मिश्र। ये भी आपको याद रखना है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अभी बनाए गए थे नए, इंद्रजीत मोहंती। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना दिवस भी पूछ ली जाती है तो स्थापना दिवस 30 मार्च, 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, केवला देव घाना नेशनल पार्क। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इतना आपको याद रखना है राजस्थान से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने नवरनलूप पेदलांध्र की कार्यक्रम क्यों शुरू किया है? तो यह अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यह कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंदर जो भी आंध्र प्रदेश के गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास भी सफ़ेद वो वाइट वाला राशन कार्ड है, उनको 1 रुपये में घर बनाने के लिए ज़मीन प्रदान की जाएगी। तो अभी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आंध्र प्रदेश की बात है तो अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और इस गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इतना आपको याद रखना है। और जब भी आंध्र प्रदेश की बात आती है तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन।